हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। लंका प्रीमियर लीग का मैच नंबर 2 गेल टाइटंस वर्सेस डेम्बुला। ये मैच होने वाला है 31 जुलाई को 3 बजे और ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट मैच। जो समझ में आ रहा है दोस्तों पिच के बारे में कि ये रीलेड पिच है, बैटिंग यहाँ पर ठीक ठाक होनी चाहिए, स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलेगी। बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की, तो इनकी स्क्वाड्स आपके सामने। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गेल के साथ और यहाँ से जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपको ध्यान में रखने हैं उसमें आते हैं राजपक्षा, शाकिब अल हसन, शनाका, इनके बाद होंगे यहाँ पे एल कुमारा, के रजीता, तबरे शमसी। डेम्बुला की तरफ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं और स्क्वाड तो पूरी आपके सामने है, बट अविष्का फर्नांडो, धनंजय डिसिल्वा, कुशल मेंडेस, मैथ्यू वेट, कुशारा परेरा, मैकडॉर्मेट, नूर अहमद, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे जो इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों अब वेन्यू की, तो जैसे हमने कहा था कि ये मैच होने वाला है आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। रीलेड पिच है ये, पिछले 10 मैचेस जो यहाँ पर हुए हैं टीम बैटिंग फर्स्ट 3 बार जीती है, टीम चेस करते हुए 7 बार। लंका प्रीमियर लीग का फर्स्ट गेम का रिजल्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज ये वीडियो बना है उस गेम शुरू होने से पहले। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स स्कोर यहाँ पर आया 145 का, पर जैसे हमने सुना पहले मैच की टॉस रिपोर्ट में कि रीलेड पिच है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर बैटिंग थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा, स्पिनर्स को असिस्टेंस जरूर रहेगा और आपकी फैंटेसी टीम में भी शायद सेम दिखाई दे। फर्स्ट मैच के रिजल्ट को हम तेज़ी से और बहुत ही बारीकी से नोटिस करेंगे, उसके बेसिस पे आगे वाला कॉल लेंगे। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो ट्रेडिशनली या टिपिकली इस विकेट पे हमने देखा है कि पेसर्स को थोड़ा सा ज़्यादा मदद मिला है ओवर स्पिनर्स, बट याद रखिएगा अगर ये ऐसी वाली विकेट है और जो हमने अगर मैच उनमें देखा कि स्पिनर्स को हेल्प मिली है, तो सेम चीज़ हम कोशिश करेंगे कि मैच नंबर 2 में भी फॉलो करें। बात कर लेते हैं इन प्लेयर्स के रिकॉर्ड का T20 के इस साल के, तो मैकडॉर्मेट 26 इनिंग में 615 रन बना चुके हैं, 650 इंक्लूडेड हैं। कुशल मेंडिस के नाम है 13 इनिंग में 434 रन, मैथ्यू वेट के नाम है 20 इनिंग में 429 रन, अविष्का फर्नांडो के नाम है 5 इनिंग में 184 रन। इसके बाद इनके बॉलर्स के डिस्कस करें तो नूर अहमद 13 इनिंग में ले चुके हैं 16 विकेट, IPL में भी अच्छे खासे फॉर्म में थे नूर अहमद। लुंगी एंगिड़ी की बात करें तो 10 इनिंग में 13 विकेट इनके नाम, हेडन केयर के नाम है 10 इनिंग में 7 विकेट। इनके बाद प्रमोद मधुसूदन का देखें तो 3 इनिंग में 3 विकेट चटका चुके हैं। गेल टाइटंस की बात करें तो शाकिब अल हसन 20 इनिंग में बना चुके हैं 515 रन T20s में इस साल, टिम साइफर्ड के नाम है 9 इनिंग में 317 रन, चैट बाउस के नाम है 16 इनिंग में 384 रन, भानुका राजपक्षा बना चुके हैं 15 इनिंग में 264 रन, दसुन चनुका के नाम है 13 इनिंग्स में 225 रन। एंड अगर इनके बॉलर्स का देखें तो शाकिब अल हसन 22 इनिंग में 22 विकेट ले चुके हैं, शमजी के नाम है 14 इनिंग में 16 विकेट, इनके बाद अकेला धनंजय के नाम है 7 इनिंग में 8 विकेट, शनाका ले चुके हैं 6 इनिंग में 8 विकेट, विश्वा फर्नांडो 5 इनिंग में 7 विकेट। तो दोस्तों आपने देख तो लिए इन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स ऑफ 2023, बट आपको अगर इन प्लेयर्स के वेन्यू रिकॉर्ड्स देखने हो या आपने देखने हो हेड टू हेड रिकॉर्ड, तो कम टू द व्यू स्पोर्ट ऐप, वहां पर आपको सारे स्क्वाड के ये सारे नंबर्स मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हमने ये लिंक पिन कमेंट में भी रखी हुई है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब टॉप पिक्स की और गेल ग्लैडिएटर्स की तरफ से जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे जो आपकी फैंटेसी टीम में पक्का होने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्लेयर्स खेलेंगे और यदि ये खेलते हैं तो भानुका राजपक्षा, शाकिब अल हसन, दसुन चनका और तबरे शमजी, ये चारों दोस्तों ऐसे प्लेयर है जो आपकी फैंटेसी टीम में पक्का होने चाहिए। राजपक्षा का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो इतना इंप्रेसिव नहीं है अगेंस्ट डेम्बुला, 2 इनिंग में 30 रन ही है, बट इस वेन्यू पर 24 इनिंग में बना चुके हैं 371 रन, 15.46 का एवरेज है, 250 इंक्लूडेड है। शाकिब अल हसन की बात करें तो इस वेन्यू पर 4 इनिंग खेली है, वहां पर 63 रन बनाए हैं, 5 विकेट चटकाए हैं, बट इनकी वैल्यू एज एन ऑलराउंडर काफी तगड़ी है एंड इनफैक्ट मोस्ट टीम्स के आपको ये कप्तान या उपकप्तान भी नजर आएंगे। दसुन चनका की बात करें तो हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी बढ़िया है, 2 इनिंग खेले हैं, 93 रन बनाए हैं जिसमें 150 इंक्लूडेड है, इस वेन्यू पर 39 इनिंग्स में 545 रन बना चुके हैं, 15.57 का एवरेज और बोलिंग करते हुए 16 इनिंग में 10 विकेट इनके नाम। तबरे शमजी की बात करें तो इस वेन्यू पर 4 इनिंग में बोलिंग करी है, 6 विकेट चटकाए हैं और इनकी स्पिन बोलिंग काफी काम आएगी स्पेशली अगर ये बोलिंग सेकेंड कर रहे हैं। तो डेम्बुला के टॉप पिक्स की बात करें तो अविष्का फर्नांडो, धनंजय डिसिल्वा, कुशल मेंडिस, बेन मैकडॉर्मेट और कुशल परेरा, ये 5 ऐसे नाम हैं जो आपकी टीम में मोटा मोटी रहेंगे। अविष्का फर्नांडो की बात करें तो हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका है 7 इनिंग में 303 रन, एवरेज 50.5 का वर्सेस गिल। वेन्यू रिकॉर्ड देखें तो 17 इनिंग में 346 रन, 23.07 का एवरेज जिसमें 550 इंक्लूडेड है। धनंजय डिसिल्वा भी हेड टू हेड में काफी डिसेंट कर चुके हैं, 6 इनिंग में 105 रन है और इसके अलावा आप देखोगे 2 विकेट भी चटका चुके हैं। इस वेन्यू पर 33 इनिंग्स में 708 रन बना चुके हैं, 25 के ऊपर का एवरेज है, 350 इंक्लूडेड और बॉलिंग करते हुए 10 विकेट भी चटका है। कुशल मेंडिस की बात करें तो हेड टू हेड में 6 इनिंग में 156 रन है, 39 का एवरेज और इस वेन्यू पर 32 इनिंग्स में 762 रन है, 26 के ऊपर का एवरेज है, 650 इंक्लूडेड है। बेन मैकडॉर्मेट की बैटिंग यहाँ पे काफी क्रिटिकल रहेगी और आपको ये अगर टॉप 3 टॉप 4 में बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं तो एक मस्ट हैव पिक बन जाएंगे।
कुशल परेरा फाइनली हेड टू हेड में 5 इनिंग में 73 रन है इनके नाम, एवरेज 14 का ही है, पर इस वेन्यू पर 26 इनिंग में 563 रन बना चुके हैं। तो दोस्तों दोनों तरफ से टॉप पिक से हो गए। डिफरेंशियल पिक की बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे नूर अहमद और अखिल धनंजय, ये दो प्लेयर्स को। नूर अहमद हमने देखा था आईपीएल में भी तगड़े फॉर्म में थे, हेड टू हेड में 2 इनिंग में 2 विकेट हैं और इस वेन्यू पर 11 इनिंग में 10 विकेट चटका चुके हैं। अखिल धनंजय की बात करें तो हेड टू हेड में 2 इनिंग में 5 विकेट हैं इनके नाम और इस वेन्यू पर 25 इनिंग में 28 विकेट ले चुके हैं। तो ये दो होंगे दोस्तों हमारे डिफरेंशियल पिक्स। बाकी तो लाइनअप आने के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से दोनों टीम्स का सेटअप होता है एंड अकॉर्डिंगली अपनी 11 बनाएंगे। सेफ कैप्टनशिप पिक के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे शाकिब अल हसन, कुशल परेरा, इन दोनों को हम रेकमेंड करेंगे। अगेन इनकी अबिलिटी टू बी मैच विनर्स फॉर द रिस्पेक्टिव टीम्स काफ़ी ज़्यादा है। डिफरेंशियल कैप्टनशिप पिक्स में धनंजय डिसिल्वा एंड तबरेज़ शम्सी, इन दोनों को हम रेकमेंड करेंगे। इनके अलावा अविष्का फर्नांडो भी, अगर हमें दिखता है कि बहुत अच्छी बैटिंग सर्फेस है तो अविष्का फर्नांडो भी एक बहुत अच्छे खासे डिफरेंशियल कैप्टनशिप पिक्स बन सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं क्या बनती है हमारी बेस टीम और क्या डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में फिलहाल हमने रखा है कुशल मेंडिस को। इनके अलावा जो आपके पास ऑप्शंस बचते हैं वहां पर आ जाते हैं मैथ्यू वेट, मैकडॉर्मेट और समारा विक्रमा का भी रिकॉर्ड काफी डिसेंट रहा है। तो ये तीन ऑप्शन है अगर आपको पिक करना हो अपार्ट फ्रॉम कुशल मेंडिस। देखते हैं कि ऑलराउंडर्स के बाद क्या हमारे पास जगह बनती है और इनमें से कितने और प्लेयर्स को हम ले सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में अविष्का फर्नांडो, बानुका राजपक्षा, इन दोनों को हमने फिलहाल रखा हुआ है। इनके अलावा जो आपके पास ऑप्शन बनते हैं उसमें आते हैं कुशल परेरा, चैट बाउस, इन दोनों को आप कंसिडर कर सकते हो। एलेक्स रॉस भी एक डिसेंट ऑप्शन है पर देखते हैं क्या वो खेल रहे हैं नहीं खेल रहे और कहां पर बैटिंग कर रहे हैं। ऑलराउंडर्स में शाकिब अल हसन, धनंजय डिसिल्वा, ये दोनों पक्का हमारी बेस्ट टीम में रहेंगे और इनके अलावा दसुन छनका एक ऐसे ऑप्शन है जो हमारी टीम में हम रखना चाहेंगे। अगर हम तीन ऑलराउंडर्स का जाते हैं मतलब आप दो ही विकेट कीपर लेके जा पाओगे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जहां पर मिनिमम तीन बैटर चाहिए, तो फिर आपको डिसाइड करना होगा कि वेड, मैकडॉर्मेट, समर विक्रमा, इन तीन में से किन आपने एक प्लेयर को लेना है। मोस्टली मैकडॉर्मेट को प्रेफर करेंगे बिकॉज मैथ्यू वेड शायद थोड़ा सा वल्नरेबल हो सकते हैं। मैकडॉर्मेट कैन ब्रिंग इन स्टेबिलिटी जो हमने देखा भी है बाकी बीबीएल जैसे टूर्नामेंट्स में। बोलिंग सेक्शन में अगर चलेंगे तो हमने शमजी और नूर अहमद, इन दोनों को बैक करा है। इनके अलावा लहिरू कुमारा अच्छे खासे ऑप्शन है, कसुना रजिता अच्छे ऑप्शन है एंड हसन अली भी एक्सेलेंट ऑप्शन है। अकेला धनंजय जैसे हमने डिस्कस करा था कि एक बढ़िया डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं, सो कैन बी द केस विद बी फर्नांडो एज वेल। बाकी दोस्तों देखते हैं कि लाइनअप किस तरीके से आती है और क्या बनती है हमारी फाइनल टीम। उसके लिए आप आ जाइएगा व्यू स्पोर्ट ऐप पर, डेडलाइन से 10 मिनट्स पहले आपको मिल जाएगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर हमारी फाइनल फैंटेसी 11 फॉर दिस गेम। इसके अलावा सारे वेन्यू रिकॉर्ड्स, हेड टू हेड रिकॉर्ड सब कुछ अवेलेबल है व्यू स्पोर्ट ऐप पर, चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको फाइनल टीम मिल जाएगी जिसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में और प्रिंट कमेंट में रखी है। तो आ जाइए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं बाकी सारे गेम्स के भी प्रीव्यूज ऑन द व्यू स्पोर्ट ऐप। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।